ये जो आप बोलेरो सामने देख रहे हो, इसको हम करने वाले पूरा रीस्टोर। और ये गाड़ी है जो दोस्तों BS6 2023 मॉडल में पूरी बार बार से कन्वर्ट होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये गाड़ी जो है जो 2009 मॉडल है, 2009 मॉडल को 2023 में हम कन्वर्ट करने वाले। सो देख सकते हो इधर से ये तार वगैरह लगा के पूरी गाड़ी को एकदम बांधा हुआ है। पता नहीं कस्टमर कैसे चला रहे थे इस गाड़ी को इतने दिन से। और इधर देख सकते हो सब कुछ मतलब बिल्कुल खत्म हो चुका है पूरी। मैं साइड आपको दिखा देता हूँ, साइड प्रोफाइल जगह जगह पर देख सकते हो रस्टिंग है। ये देख सकते हो रस्टिंग जगह जगह आपको इसमें रस्टिंग दिख जाएगी। और इस साइड वगैरह सारी जगह आप देख सकते हो पूरी गाड़ी में हर जगह मतलब रस्टिंग है गाड़ी में। सो पीछे की तरफ अपन चलते हैं तो पीछे भी देख सकते हो गाड़ी के रस्टिंग बहुत ही ज़्यादा है गाड़ी में। ये देख सकते हो यहाँ भी ये रस्टिंग आपको मिल जाती है पूरी गाड़ी में। सीट कवर दूसरे डलेंगे, नीचे फ्लोर मेटिंग, छत का काम भी होगा और इंटीरियर में भी काफ़ी कुछ काम होने वाला है। ये देख सकते हो आप जो मतलब अपने सीट के नीचे वाली जो सीट की स्टैंड होता है उसमें भी जंग लग चुका है पूरा कंप्लीट। ये खोलते हैं साइड तो देख सकते हो हैंडल वैंडल एकदम, ये गत्ते वगैरह पूरी फाट, गाड़ी की हालत देख सकते हो बिल्कुल एकदम बिखरी हुई गाड़ी है। सो इसको हम पूरा बनाएंगे तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, एक ही निवेदन है आपसे। और आप भी ऐसा काम करवाना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारा ईमेल मिल जाएगा जिसमें आप मेल कर सकते हो और हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। पूरी गाड़ी टोटली ख़त्म है। सो इसमें इंटीरियर आप देख सकते हो बिल्कुल बकवास पड़ा है, सो इसमें भी हम काम करने वाले। दोस्तों अपनी गाड़ी में फिटिंग खुल रही है, जैसा कि आप देख सकते हो आगे की शो की फिटिंग काफी हद तक खुल चुकी है। जी दोस्तों यहाँ पर अपनी गाड़ी में डेंटिंग का और जो पैचिंग वगैरह का काम था वो काफ़ी हद तक हो चुका है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। अब गाड़ी में जो मजई का काम चल रहा है, जो कलर है पुराना उसको पूरा रफ़ किया जा रहा है, उसके बाद कलर का काम शुरू होगा और आगे शो की फिटिंग का भी काम शुरू होने वाला है। सो देख सकते हो आप पीछे काफ़ी हद तक जगह जगह पर पीस बना के लगा दिए। ये देख सकते हो आप जहाँ भी जंग था वहाँ का पूरा पतरा निकाल कर रिप्लेस किया गया, दूसरा पतरा नया वाला हैवी गेज का पतरा लगाया गया, पीस टू पीस काम हुआ है और डोर वही पुराने वाले रिपेयर किए गए हैं। और अंदर की तरफ भी काफ़ी हद तक फिटिंग हमने खोल दी है, लगभग पूरी गाड़ी की आप देख सकते हो फिटिंग खोल दी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि आपको सारा काम समझ में आए। सो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि हमारी गाड़ी का काम काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है और उस तरफ हमने गाड़ी पर रेड ऑक्साइड का एप्लीकेशन कर दिया है, जो कि आप देख सकते हो रस्टिंग प्राइमर। इसको करना ज़रूरी क्यों था, गाड़ी में रस्टिंग बहुत ही ज़्यादा थी और नए पीस बना के लगाए तो एक बार अगर ये लग जाए तो रस्टिंग आने का चांस नहीं बनता। आप देख सकते हो ये जो पूरी साइड है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, रस्टिंग प्राइमर वगैरह लगा के फाइनल कर दिया है। उस साइड में भी छोटा मोटा कुछ काम बचा है और अंदर की तरफ कुछ छोटा मोटा काम हो रहा है, उसके बाद फुली कलर का प्रोसेस गाड़ी पर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अपनी गाड़ी में आगे से जो कन्वर्टिंग का काम था, सो चेंज करना था, फेस लिफ्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो BS6 वाला सो इसमें हमने डाल दिया है। इसमें टोटली जो पार्ट लगा है ओरिजिनल महिंद्रा एंड महिंद्रा का लगा है। सो पुराना डिस्टेंट पीस आप देख सकते हो यहाँ पर पड़ा है और हमने इसका सो पूरा चेंज कर दिया है, BS6 में बिल्कुल अलग आता है सो। सो और इस साइड आप देख सकते हो पुट्टी की कटिंग की जा रही है, ये देख सकते हो जो कि लाइट वेट बॉडी फिलर इसमें भरा गया है सारा, इसकी कटिंग चालू है। और उस साइड जो है अस्तर लग चुका है, जैसा कि आपने आगे वाली क्लिप में देखा है अस्तर हमने कम्प्लीटली लगा दिया है पूरी जो ग्राउंडिंग बना के। दोस्तों सारा काम मैं आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप कि क्या कुछ कैसे होने वाला है। सो अंदर से अभी बिल्कुल बिखरी हुई पड़ी है गाड़ी, लेकिन
सब कुछ इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ क्या काम कैसे क्या होगा। सो फाइनली शो तो हमारा कन्वर्ट हो चुका है, सारे जो महिंद्रा के पार्ट्स थे आगे वाले लग चुके हैं, और अब जो बचा है वो बचा है कलर का काम, तो कलर का काम भी मैं आपको दिखाता रहूंगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो पूरा देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट करना। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। सो अब हमारी गाड़ी पर जो फाइनल फिनिश वाला अस्तर होता है वो लग चुका है। सो अब हम इसके बाद फाइनल गाड़ी पर कलर करने वाले। सो देख सकते हो आप अंदर की तरफ सबसे पहले कलर होगा और फिर हमारी गाड़ी पर बाहर की तरफ कलर होगा। पहले हम अंदर से पूरी गाड़ी को क्लीन करवाएंगे, एक बार हमने वॉश करवा लिए। सो फाइनली देख सकते हो फुल फिनिश के साथ। इस काम में दोस्तों है जो पता चलता है कि गाड़ी में मतलब कितना काम हुआ, कैसे क्या काम हुआ, सारी फिनिशिंग अब आपको गाड़ी में दिखने लगेगी, और रेडी होने के बाद तो बिल्कुल गाड़ी नई लगने वाली है। सो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको सब कुछ काम स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूंगा। सो चलिए अब हम शुरू करते हैं गाड़ी में कलर का काम। दोस्तों अब हमारी गाड़ी में चल रहा है वायरिंग का काम। अगली वीडियो क्लिप में आपने देखा था कि इसमें कलर का काम है फिनिश हो चुका था, और अब हम यहाँ पर कर रहे हैं वायरिंग का काम। तो पूरी वायरिंग नई है एसी की लगा के, और जो भी इनकी पावर विंडो वगैरह की सारी वायरिंग सब कुछ नया है। ये भाई साहब यहाँ पर वायरिंग फिटिंग कर रहे हैं, अंदर की तरफ से देखे तो आप देख सकते हो जो पूरी वायरिंग है पूरी नई फिटिंग कर रहे हैं। पूरा किट है जो वायरिंग फ्यूज बॉक्स वगैरह सब कुछ देख सकते हो आप, ये पूरी लीड है नई वाली। सो वायरिंग फिटिंग के बाद हम इसमें इसकी एसेसरीज फिटिंग का काम शुरू करेंगे। व्हील वगैरह सब कुछ, चेसिस वगैरह सब कुछ पेंट हो चुकी है। सो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पीछे थोड़ा सा बचा है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए तो वीडियो को इंजॉय करते हैं। सो दोस्तों अपनी गाड़ी में आगे का शो, और आप देख सकते हो ग्रिल फिट हो चुकी है। लुक कैसा आ रहा आगे से ये कमेंट करके जरूर बताना, और लुक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हाँ तो दोस्तों देख सकते हो अपनी गाड़ी का काम काफ़ी हद तक हो गया है, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा फाइनल शॉट्स। ये मैं शॉट्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप मेरी हर वीडियो में कमेंट करते हो कि भाई फाइनल में आपने नई गाड़ी लाके खड़ी कर दी, क्यों पागल बना रहे हो हमें, ये तो नई गाड़ी है। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, देख सकते हो अभी इन वर्क के कार। सो फाइनल वीडियो के लिए तैयार रही। दोस्तों ये है हमारी फाइनली गाड़ी जो कि पूरी रेडी हो चुकी है, जैसा कि आपने पूरी वीडियो को देखा, और एंड में गाड़ी कुछ ऐसी बनी है। सो कमेंट करके जरूर बताना गाड़ी को देख के, मुझे पता आप भी चौंक गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पूरी गाड़ी बिल्कुल न्यू बन चुकी है नए मॉडल में। सो कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों का शेयर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए एक बार आपको साइड व्यू एक बार और दिखा देता हूँ, और कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। सो देख सकते हो पूरी साइड से वगैरह बिल्कुल नए मॉडल में कन्वर्ट हो चुकी है हमारी गाड़ी। इसी लोकेशन पर मैंने सबसे पहला शूट किया था इस गाड़ी का, जिसमें आपको बिल्कुल भंगार खटारा गाड़ी दिख रही थी, और अब देख सकते हो फाइनल में कितनी शानदार गाड़ी बन के हमारे सामने आ चुकी है। सो पीछे से भी देख सकते हो ब्रेक लाइट वगैरह सब कुछ PS6 वाली इसमें हमने लगाई है। गाड़ी बाहर से हमने जिधर भी पब्लिक रिएक्शन लिया है, तो बाहर से जिसने भी गाड़ी को देखा है उन्होंने ये नहीं बोला कि ये गाड़ी ओल्ड है। सब लोग पूछ रहे थे कि अभी क्या शोरूम से उठा कर लाए हो आप गाड़ी को क्या, लेकिन दोस्तों गाड़ी इतनी अच्छी बनी है कि लोग इसे पहचान नहीं पा रहे कि ये ओल्ड मॉडल है। आपको हमारा काम कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत से दोस्तों आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking.